नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे आ गए हैं। इस चुनाव में टीआरएस 55 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 48 सीटों पर जीत हासिल की है। एआईएमआईएम को 44 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस को 2 वार्ड पर ही कामयाबी मिली है। 150 वार्डों वाले ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में बहुमत का आंकड़ा 75 है। ऐसे में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली है। जाहिर है कि अब मेयर पद के लिए जो 3 बड़ी पार्टियां हैं उनमें से 2 को साथ आना होगा। तेलंगाना में टीआरएस और एआईएमआईएम काफ़ी वक्त से साथ रहे हैं, ऐसे में दोनों नगर निगम में भी साथ आ सकते हैं। बीजेपी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है उससे साफ है कि केसीआर और टीआरएस पर दबाव बढ़ेगा। केसीआर को ओवैसी की तरफ ही जाना पड़ेगा। इस चुनाव में तो उनको मेयर पद के लिए ओवैसी की ओर देखना ही होगा। इसके अलावा 2023 के विधानसभा में भी एआईएमआईएम को साथ रखना उनके लिए मजबूरी हो जाएगी। बीजेपी ने अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियों की बात कह दी है, जिससे केसीआर पर और दबाव बढ़ेगा। चुनाव में टीआरएस को ही बड़ा नुकसान हुआ है और बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ है। हैदराबाद नगर निगम में सत्तारूढ़ टीआरएस सभी 150 वार्ड पर चुनाव लड़ रही थी, वहीं बीजेपी 149 वार्ड, कांग्रेस 146 वार्ड, जबकि एआईएमआईएम ने 51 वार्ड पर चुनाव लड़ा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।